हरियाणा के बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित जूता बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार रात को भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में काफी लोग काम कर रहे थे, जिससे भगदड़ मच गई, जिसमें दो कर्मचारी घायल भी हुए। आपको बता दें कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो वही कंपनी में रखा कच्चा माल भी राख हो गया। तो वही दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार ने बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में MII पार्ट 2 में चरण पादुका नाम से जूता फैक्ट्री खोली हुई है। तो वही लंच के समय कंपनी के ऊपरी हिस्से में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और फिर आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके कुछ देर बाद तीन प्लांटों के अंदर बनी यह फैक्ट्री आग का गोला बन गई। भीषण आग को देखकर फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई, जिससे कर्मचारियों ने दीवारों से कूदकर अपनी अपनी जान बचाई। हादसे में महिला कर्मचारी सत्यवती और सोनू घायल हुए। आपको बता दें कि घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हैं। वही आगजनी में कंपनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ITN।